नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो आज है टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट 6। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर लगाएं उन टेस्ट को। फिर आप उनसे जो है अपना स्कोर, आपने जो भी प्रिपेयर किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरी तैयारी यहाँ तक है। और ये जो सारे टेस्ट थे, आज का जो भी टेस्ट है, तो मैंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन इनमें ऐड किए हैं। और इनमें मैंने जो एक मॉक टेस्ट था उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो NCERT जो एग्ज़ाम लेती है प्री बी एड के लिए, तो वो भी था। तो आप उसको भी अच्छे से लगाएं, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है प्री बी एड में पूछे जाते हैं, पी टेट के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि पी टेट ही नहीं, आगे जब आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप एग्ज़ाम दोगे टीचर बनने के लिए, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होती है, तो उसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी शुरुआत होगी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, शिक्षण अभिरुचि को लेकर, शिक्षण अभिक्षमता बोल सकते हैं, कि आप में कितनी जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा और एक गुणवान शिक्षक बनाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो है एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सार कह सकते हैं। हालांकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, ये क्यों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्यों ये आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, इसके अंदर किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी मैंने डिटेल आपको बता रखी है। तो आप वो ज़रूर वीडियो देखें। हालांकि काफ़ी लोग ये वीडियो देख चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, उन्होंने सराहा इस वीडियो को, काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे मैसेज मिले, कॉमेंट्स मिले। उसके बाद मैंने जो है मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई है, तो ये आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। तो जैसे आगे आने वाले एग्ज़ाम, जैसे पी टेट कह सकते हैं, प्री DLED PSTC के लिए भी, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। काफ़ी अच्छी ये सीरीज चल रही है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है, शिक्षक का विद्यालय में समय पर आना क्यों आवश्यक है? आपको इसका आंसर बताना है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है, अन्य अध्यापकों को नीचा दिखाने के लिए, कि जल्दी आकर, अन्य अध्यापक अगर कोई लेट आ रहा है तो उनको दिखाना कि हाँ भाई मैं जल्दी आ रहा हूँ, उस तरीके से। सेकंड ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक के समय समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक की डांट से बचने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तो आपको इसका आंसर बताना है कि एक शिक्षक का, एक अध्यापक का समय पर आना क्यों आवश्यक है, ये आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ईजी है, एक आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके, आपने स्कूल भी अगर गए, आप गए हैं, तो आपको ईजीली इसका आंसर दे देंगे। आपको कोई इसके लिए गाइडेंस की नीड नहीं है। तो जो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ही ऑप्शन ऐसा रखा है जो एकदम राइट है। मैंने इसको रैंकिंग में नहीं ऐड किया है कि आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे अगर 2 नंबर मिलने वाले हैं। मैंने इसमें एग्जैक्ट जो सही आंसर था वही ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर आपने फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया है तो ही आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन जो आपकी मार्किंग जो सिस्टम होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, वो फोर्थ जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से 3 ऑप्शन अगर जो है सही होते हैं वो भी, कि एक में आपको मिल सकते हैं 3, एक में 2, एक में 1 नंबर, और फोर्थ अगर कोई चूज़ करते हैं जो गलत होता है उसमें आपको 0 मिलेगा। लेकिन मैंने इसमें जो एकदम सही आंसर है वही ऐड किया है, जिससे कि आपका एक माइंडसेट हो जाए कि आपको एक राइट आंसर की ओर ही जाना है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही हो गया है, क्योंकि आपको जो है टीचर का काम ही यही होता है कि अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो पहले खुद पे अप्लाई करके बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि टीचर अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसको ओरली बताने की या फिर उसको ज़बरदस्ती करने की कोई नीड ही नहीं होगी। अगर एक टीचर खुद उस पर अपने आप पे अप्लाई करके बच्चे को दिखाता है और बच्चा खुद देखता है तो अपने आप वो सीख जाता है कि टीचर उसको फॉलो करने लग जाता है। टीचर को इस तरीके से अगर वो देखता है, बच्चे देखते हैं कि हाँ हमारे टीचर ही पहले आ जाते हैं, हम लेट आ रहे हैं, तो बच्चे भी जो है अपने आप जो है समय पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर टीचर ही कोई लेट आएंगे तो बच्चे कहाँ से जल्दी आ जाएंगे, सीधा बोलेंगे कि हमारे सही लेट आते हैं, हम जल्दी जाके क्या करें। नेक्स्ट है,
यदि आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है, उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे, प्राधानाध्यापक से कहकर उस दिन के लिए उसे स्कूल से निकाल देंगे, उसे स्कूल से निकाल देंगे कुछ दिनों के लिए, इस तरह से है। अन्य अध्यापकों को आनंद लेकर बताएंगे, उस छात्र को सबके सामने डांटेंगे। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अगर कोई छात्र है वो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, कुछ गलत काम करता है इस तरीके से, तो आपको बताना है कि आपको क्या जो है आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपका एक पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का जो है एक मानसिकता रखते हैं छात्रों के भी छात्राओं के लिए इस तरीके की, तो आपका एक क्या आप सही निर्णय लेने वाले इंसान हैं या नहीं है, तो सारी चीज़ें आपकी इसमें चेक की जाएगी। तो आपको ये बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो जैसे अगर बात की जाए थर्ड ऑप्शन की, अन्य अध्यापकों को आनंद लेकर बताएंगे कि मतलब आपके वो एक गॉसिप का एक टॉपिक बनाते हैं, अगर एक टीचर छात्रों को लेकर तो सरासर गलत है, वो टीचर जो बनने लायक ही नहीं है, टीचर होने के नाम पे एक धब्बा है, इस तरह के जो टीचर होते हैं, तो ये तो आपको हटा ही देना है। लेकिन जो लिखा हुआ है कि आप उसे बुलाकर, अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे उन्हें, जो भी उनको परेशानी है, क्यों परेशान कर रहा है, क्या है, उसको काफ़ी अच्छे से जो है बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट लेते हैं, आपके अनुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? इसका आपको आंसर बताना है कि अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है। छात्रों का अनुचित व्यवहार, शिक्षक का प्रभावी व्यक्तित्व, शिक्षा प्रणाली में खामियां, या फिर अध्यापकों का कम पढ़ा लिखा होना। तो इसमें जो प्रभावी नहीं, अप्रभावी आपको बताना है इसमें, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रभावी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अप्रभावी या फिर बोल सकते हैं प्रभावहीन, ठीक है, तो इसमें प्रभावी नहीं है। शिक्षक का अप्रभावी व्यक्तित्व है, या फिर शिक्षा प्रणाली में खामियां, अध्यापकों का कम पढ़ा लिखा होना। तो आपको अब आंसर बताना है कि अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है। तो जैसे अब बात करें ऑप्शंस की, जैसे फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है कि अध्यापकों का कम पढ़ा लिखा होना। अगर अध्यापक कोई बनने जा रहा है तो वो जो एक क्राइटेरिया है कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसने बीए करी है, उसके बाद उसने बीएड कर रखी है, उसके बाद वो जो है अध्यापक बनने लायक होता है, या फिर उसने जो है ट्वेल्थ कर रखी है, उसके बाद डीएलएड कर रखा है, उसके बाद वो जो है टीचर बनने के लायक है, इस तरीके से गाइडलाइंस होती है कि यहाँ तक अगर वो नहीं है तो वो टीचर वैसे ही नहीं बनने वाला, तो आपको फोर्थ ऑप्शन तो लगाना ही नहीं है। उसके बाद जैसे छात्रों का अनुचित व्यवहार, ये बाद में आएगा, पहले आएगा कि टीचर का किस प्रकार का व्यक्तित्व है, टीचर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, टीचर क्या जो है शिक्षा दे रहे हैं, वो चीज़ है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि शिक्षक का जो है अप्रभावी व्यक्तित्व है, जिसके कारण जो है जो उनके छात्र हैं वो उनसे अच्छे तरीके से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक अच्छी गाइड नहीं मिल पा रही है कि एक वो अच्छा अच्छे जो है छात्र बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। इस तरीके से जो है अगर शिक्षक अगर अनुशासन सिखाना चाहता है तो उसको एक ऐसा उसको व्यक्तित्व बनाना होगा, या फिर ऐसे उसको छाप छोड़नी होगी जिससे कि अपने आप जो है सभी छात्र, या फिर उसकी जो टीचर का और शिक्षक का जो विद्यालय है अपने आप जो प्रभावित हो, शिक्षा का स्तर जो काफ़ी ऊपर हो, फिर उसके बाद अपने आप ही जो है अनुशासन जो है बन जाएगा। तो उसमें जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा शिक्षक का अप्रभावी व्यक्तित्व, या फिर बोल सकते हैं प्रभावहीन व्यक्तित्व, तो सेकंड ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक होशियार विद्यार्थी अपने ज्ञान का प्रदर्शन अन्य छात्रों की तुलना में अधिक करता है तो आप क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि एक रेगुलर क्लास है, उसमें अगर एक बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है अन्य बच्चों से, जो भी बच्चे हैं, तो वो जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो आगे से आगे बताता रहता है कि सर ऐसे, मैम ऐसे, इस तरीके से, तो आप उस बच्चे के साथ कैसे डील करेंगे, क्या उसको किस प्रकार से आप हैंडल कर पाएंगे, तो वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि उसे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिससे कि वह न कर सके और वह शर्मिंदा हो जाए, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन है उसे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अन्य छात्रों की मदद करने हेतु कहेंगे। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई ऐसा छात्र है जो अन्य छात्रों की तुलना में ज़्यादा अच्छा जो है स्कोर कर रहा है या फिर अन्य छात्रों की तुलना में अच्छा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सही बताना है कि जो आप काम करने वाले हैं वो छात्र के लिए जो है पॉजिटिव इफेक्ट डाले, ना कि नेगेटिव, या फिर उसको कुछ ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है इस तरीके से। तो आपको बताना है कि क्या आप ऐसा काम करेंगे जो कि उस बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। तो इसमें बात की गई है सेकेंड ऑप्शन में कि उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे, ठीक है, कि उसकी जिसमें रुचि है वो आप कार्य देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ अलग ही काम दे देंगे कि आप बस आपको ये करना है, बस बच्चे को ये थोप कर बताना है कि अगर ये बच्चा नहीं कर पाता तो हम फिर उसको ये बताएंगे कि हाँ तूने नहीं किया ना, तूने बोला था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो आपको ये सब काम नहीं करने हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी आप किसी बच्चे को लेकर अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको सीधा सा देखना है कि बच्चे पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तो उसको लेकर आप जो है राइट आंसर देंगे। तो इसमें अगर आप सेकंड ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो इससे आपको मिलने वाले हैं 3 नंबर, ठीक है, तो आपका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास में या फिर राष्ट्र विकास, तो आप इसमें राष्ट्रीय विकास ना करके राष्ट्र विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है ये आपको बताना है। निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण, निर्धनता, जिज्ञासा, तो आपको ये बताना है शिक्षा को माध्यम बनाकर, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो सभी चीज़ें हैं जो है इम्पोर्टेंट होती है एक राष्ट्र के विकास के लिए, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक राष्ट्र के विकास के लिए अगर वहाँ निरक्षरता है, अगर वहाँ पे पोषण भी है सब कुछ है लेकिन निरक्षरता है, तो वो सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गणित किस प्रकार का विषय है ये आपको बताना है कि वो कठिन है सरल है इस तरीके का। तो ऑप्शन है कठिन, गणना संबंधी, तर्क पर आधारित है, फिर सरल। तो गणित किस प्रकार का विषय है आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो सीधा सा हो जाएगा कि जो गणित विषय है वो किस प्रकार का विषय है, वो है गणना संबंधी विषय है, गणना को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद है आप अपनी कक्षा में छात्रों का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके छात्रों का या फिर आपके स्कूल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा में नकल कराएंगे। नेक्स्ट है छात्रों के अतिरिक्त कक्षा लगाकर सर्वाधिक परिश्रम करवाएंगे। छात्रों को अन्य गाइड पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देना। तो आपको आंसर बताना है कि अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट अगर बताना है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आपको ऑप्शन है रेलेवेंट लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि अगर ये मैं ये करूँगा या फिर ये करूँगी तो मेरे जो छात्रों के लिए मेरे विद्यार्थियों के लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। तो आपको ये ऑप्शन चुनना है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट आपको आंसर पे जाना है कौन सा ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। तो आपको सीधा सा देखना है कि आप छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उनको अधिक से अधिक जो है परिश्रम करवाने का प्रयास करेंगे, हार्डवर्क करवाने का, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताने का, इस तरीके से समझाने का, तो वो करेंगे, ना कि आप ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है बच्चों को जो है नकल करवा रहे हैं या फिर उनको जो है आंसर बता रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, वो एक टीचर नहीं कर सकता है। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए एकदम बेस्ट आंसर, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अन्य गाइड आपको पढ़ने के लिए कहना है कि बच्चों आप ये वाली जो है बुक खरीद लाना दूसरी, उससे आप जो है आंसर ये वाले जो है अच्छे से लर्न कर लेना, मेमोराइज करके आ जाना, तो ये भी आपको काफ़ी गलत ठहराता है टीचर के लिए, ये सही नहीं है। उसके बाद है छात्रों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना कि ये आप रट के आ जाना, ये आपको करने हैं, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो सही नहीं है। आप इससे बच्चों छात्रों को जो रटू टोता बना देंगे, ना कि कोई इनको सही शिक्षा दे पाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, कि जो आपने कुछ भी पढ़ाया है वो समझ नहीं आया है तो आप ऐसी स्थिति में किस प्रकार का जो है निर्णय लेने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, वो सभी आपको बतानी है। छात्रों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को फिर से ही पढ़ाने के लिए कह देंगे कि बोलेंगे कि हाँ मैं बाद में पढ़ा दूंगा, तो ये मतलब है सेकेंड ऑप्शन का। थर्ड ऑप्शन है कि इस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। फोर्थ है उत्पाद नहीं है, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्पाद नहीं है उस पाठ को, ठीक है ये थोड़ा मिक्स हो गया है, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने जो भी पढ़ा है, बच्चों को समझ नहीं आया है, बच्चों ने बोल दिया, या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस किए उनके आंसर अगर बच्चे नहीं दे पाए हैं, तो आपको क्या वो पाठ दोबारा पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, तो इस तरह का आपको आंसर बताना है। अगर आप चूज़ करते हैं फोर्थ ऑप्शन कि आप उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, आप टीचर के तौर पर एकदम काबिल हैं, आप बनने लायक हैं, तो वो फोर्थ ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो एकदम राइट आंसर इसका होने वाला है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है, आपको ये बताना है। चार्ट, प्रोजेक्टर, मॉडल या फिर सीधा अनुभव, तो आपको इसमें बताना है कौन सी जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ है वो जो टीचिंग एड होते हैं उनमें से कौन सा इनमें से बेस्ट आपको लग रहा है कि अगर मैं इस तरीके से अगर बच्चों को समझाऊं तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बच्चों को काफ़ी दिनों तक जो है याद रहने वाला, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज़ करके बताना है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टर, तो ये थोड़ा सा हालांकि सही है क्योंकि इसमें जो है बच्चों को देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाते हैं उनको सीधा अनुभव, मतलब आप लाइव दिखा रहे हैं किसी चीज़ को, उसके बाद वो देखकर या फिर सुनने की चीज़ है तो साथ में सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, महसूस करने की चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके का, अगर बस स्टॉप होता है, अगर आप ले जाकर बस स्टॉप दिखाएंगे बच्चों को कि यहाँ पे है जो बस आती है, यहाँ से जाती है, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बस स्टॉप की जो है चार्ट में दिखाते हैं तो भी हालांकि पता चल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा उनको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाते हैं तो भी हाँ वो देख लेंगे कि हाँ इस तरह से बसें होती है ये सब। और इसके अलावा अगर आप मॉडल भी दिखा देंगे कि हाँ बस का अगर मॉडल ले आते हैं कि छोटी बस ले आते हैं खिलौनों के लिए, तो भी इतना नहीं हो पाएगा जितना कि वो लाइव जाके खुद जाके सामने से अगर देखेंगे तो उनको ज़्यादा जो है सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी दिनों तक वो याद रहने वाला है। तो उसमें जो ऑप्शन फोर्थ है वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के मॉक टेस्ट का, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। मैंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ऐसे कोई हर कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ और आप बस कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर अच्छे क्वेश्चन अगर आप करते हैं आपको सफिशियंट टाइम मिलने वाला है, आपको इतनी कोई हाई लेवल की कोई वो दे नहीं रहे कि आपके पास टाइम एकदम 10 मिनट का आपको क्वेश्चन करने हैं, सो तो वो आपको ऐसा नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से करते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके वो 50 के 100 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कि वह विद्यालय के कार्य की पूर्ति करे, कि वह खाली समय के सदुपयोग के लिए अवसर मिले। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत डालने के लिए। तो आपको आंसर करना है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों देना चाहिए। होमवर्क की बात की गई है तो आपको इसका आंसर बताना चाहिए। तो इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है जो एकदम रिलेवेंट हो, सबसे अच्छा ऑप्शन हो, एकदम रैंक उसकी फर्स्ट हो। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होने वाला है, कि इसमें अगर फोर्थ ऑप्शन अगर आप चूज़ करें कि विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की, ठीक है, आदत डालने के लिए अगर आप गृह कार्य देने हैं दे रहे हैं तो एकदम सही है। ठीक है, गृह कार्य होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों में सेल्फ स्टडी की एक हैबिट बन जाए, बच्चे खुद पढ़ने के लिए जो है आगे आए। तो अगर फोर्थ ऑप्शन अगर आप चूज़ करें तो एकदम राइट आंसर होने वाला, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो आपका जो भी स्कोर रहा है, अगर आप 10 क्वेश्चन माने
तो अगर इसको 3 से 2 करें तो आपके 30 नंबर होने वाले हैं। तो 30 नंबर में से आपके जितने भी आंसर ठीक हुए हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें, और इस तरीके से बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको एग्ज़ाम तक है वो काफ़ी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। एंड लाइक ज़रूर करना आपको, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए रोज़ जो है अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल आई डी पर ईमेल कर सकते हैं, इट इज़ neha30@gmail.com। अगर आपको और भी वीडियोज़ अलग जो आपके सब्जेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर जो है बता सकते हैं। और ऐसे ही बने रहिए। सो थैंक यू।